रास्ते में एक कब्र पड़ी थी। बहुतों का कहना है कि उस कब्र में कभी कभी एक बूढ़े आदमी को देखा जाता है, और कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय उस कब्र से तरह तरह की आवाजें आती हैं। कोई रोता है, उस आवाज का हवा में गूंजना सुनाई देता है। श्रीपुर के भूत। एक साल पहले की घटना। हमारे एक दोस्त सिहाब अपने गांव श्रीपुर गया था। वहां से लौटकर उसने हमें एक रोमांचक घटना सुनाई। यह घटना गांव के एक मध्य वयस्क व्यक्ति मन्नान मियां के बारे में है। मैं कह रहा हूं था क्योंकि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। खैर, इस घटना का मुख्य हिस्सा मन्नान मियां के इर्द गिर्द घूमता है। मन्नान मियां श्रीपुर गांव का मूल निवासी नहीं था। वह 5 साल पहले गांव में घूमने आया था। गांव वालों ने उसे पसंद कर लिया और उसके लिए एक घर भी बनवा दिया। वह बहुत मिलनसार था, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। 2009 की गर्मियों में मन्नान मियां की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उस दिन बाजार करके आने के बाद मन्नान अचानक बीमार पड़ गया। वह बार बार कहने लगा कि सड़क पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वह साफ साफ नहीं बता सका कि वह बुरा क्या था। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसकी मौत हो गई। उसकी लाश उसी दिन दफन कर दी गई। गांव की परंपरा के अनुसार लोग अपने कब्रिस्तान में केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए जगह रखते हैं। मन्नान के गांव में कोई पहचान वाला नहीं था, इसलिए उसकी कब्र सड़क के किनारे एक बेल के पेड़ के नीचे बनाई गई। किसी ने भी मन्नान की मौत का कारण पता नहीं लगाया, शायद पता नहीं लगा पाए। मेरा एक दोस्त जावेद बहुत साहसी है। उसने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर शोध में बिताया है। दुख की बात यह है कि उसे कभी भी भूत प्रेत देखने को नहीं मिला। सिहाब की कहानी सुनकर वह बहुत उत्सुक हो गया। वह किसी भी कीमत पर वहां जाना चाहता था। सिहाब ने एक बात कही कि वह जावेद को वहां ले जाने को राजी नहीं था, लेकिन जावेद बहुत अड़ा हुआ था और अंततः सिहाब को उसे ले जाने के लिए मना लिया। मेरे खुद के वहां जाने की इच्छा थी, लेकिन उस समय मध्यकालीन परीक्षा चल रही थी, इसलिए जाना संभव नहीं था। खैर, जावेद का प्लान था पूर्णिमा की रात को वहां मौजूद रहना। इससे वह कुत्ते को देख सकेगा और तस्वीरें भी ले सकेगा। बांग्ला कैलेंडर के अनुसार समय निर्धारित कर वे रवाना हो गए। जावेद और सिहाब ही गए, दो अन्य लोग भी जाने वाले थे, लेकिन अंतिम क्षण में वे दोनों जाने से पीछे हट गए। पारिवारिक समस्याओं के कारण उनका जाना रद्द हो गया। जावेद और सिहाब तय समय पर गांव पहुंचे। सिहाब के रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। थोड़े फ्री होने के बाद जावेद ने सिहाब के छोटे चाचा को अपने आने का असली उद्देश्य बताया। सुनकर छोटे चाचा थोड़े गंभीर हो गए। अंततः जावेद और सिहाब की मजबूत कोशिशों के सामने उन्होंने नकारा कर दिया। वह जाने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन साथ में एक परिचित को ले जाना होगा। जावेद अकेले जाना चाहता था क्योंकि ज्यादा लोग होने पर पेंच पड़ सकता है, लेकिन छोटे चाचा का शर्त एक ही था, या तो उनका दिया हुआ गाइड जाएगा या फिर जाना रद्द। जावेद को राजी होना पड़ा। वह रविवार था। शाम के बाद पूर्णिमा का चांद चमकने लगा। चांद की रोशनी से चारों ओर जैसे उजाला हो गया, और फिर परेशानी शुरू हो गई। सिहाब जल्दी में दरवाजे से बाहर जाते समय दरवाजे की चौखट से टकरा गया। तुरंत ही उसकी माथे से खून बहने लगा। घर में हड़कंप मच गया। यह तो एक गांव है और अभी भी फ्रिज जैसी चीजें इतनी लोकप्रिय नहीं हुई हैं। सिहाब को नल के किनारे ले जाया गया। लगभग 20 मिनट में खून बहना बंद हुआ। जावेद बहुत तनाव में था। अंततः लगने लगा कि शायद जाना ही रद्द हो जाएगा। उस स्थिति में सिहाब का जाना संभव नहीं था, लेकिन जावेद ने चाचा को कहकर अपनी यात्रा सुनिश्चित की और रतन अली नामक गाइड को साथ ले लिया।
रतन अली गांव के सबसे साहसी लोगों में से एक था। छोटे चाचा ने रतन को समझाया कि किसी भी हालत में जावेद को छोड़कर मत आना। गांव में छोटे चाचा की अच्छी प्रतिष्ठा थी। रतन अली ने खुद को ठान लिया कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता और आज वह देखेगा कि भूत क्या होता है, किसका भूत होता है। रतन अली के हाथ में एक बैटरी संचालित टॉर्च था। जावेद ने ढाका से एक मजबूत टॉर्च और एक अच्छा डिजिटल कैमरा ले लिया। कैमरा गले में लटकाकर और टॉर्च हाथ में लेकर वह चलने लगा। रतन अली उसके साथ था और उसे गांव के विभिन्न घटनाओं के बारे में बताने लगा। घर से जगह की दूरी लगभग 2 मील थी। गांव की शांति में शायद भूत देखने का तनाव था। जावेद को बहुत तेजी से बाथरूम जाना पड़ा। रतन अली को टॉर्च पकड़ने के लिए कहकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी जरूरत पूरी करने गया। काम खत्म करके वापस आकर वे फिर से चलने लगे। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद अचानक रतन अली ने जावेद से पूछा कि वह मन्नान मियां के बारे में कितना जानता है। जावेद थोड़ी हैरान हो गया क्योंकि रतन अली की आवाज में थोड़ी तब्दीली महसूस हो रही थी। जावेद ने मन्नान मियां के बारे में जो कुछ भी जाना था रतन अली को बता दिया। सुनकर रतन अली ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तू जानना चाहता है कि मन्नान मियां कैसे मरे? जावेद की पहली बार त्वचा पर ठंडक महसूस हुई, फिर भी उसने उत्तर दिया, हां अगर तुम जानते हो तो बता सकते हो, मुझे भी जानने की बहुत इच्छा है। रतन अली ने जो कहा उसे मैंने थोड़ी संवार कर लिखा है। उस दिन मन्नान मियां ने सुबह अपनी सप्ताह की बाजार की खरीदारी की, बाजार में परिचित लोगों से मिला और जरूरी सामान खरीदकर घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में एक कब्र पड़ी थी। बहुतों का कहना है कि उस कब्र में कभी कभी एक बूढ़े आदमी को देखा जाता है और कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय उस कब्र से तरह तरह की आवाजें आती हैं। कोई रोता है, उस आवाज का हवा में गूंजना सुनाई देता है। मन्नान मियां ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन रास्ते में अचानक उसे बहुत प्यास लगी। उसने बाजार की थैली से बोतल निकालकर सड़क के किनारे बैठकर पानी पिया। इसी दौरान एक काला कुत्ता उसके पास आ बैठा। कुत्ता देखकर मन्नान मियां थोड़ी हैरान हो गया। गांव में इतने लंबे समय से रहने के बावजूद उसने कभी इतना बड़ा काला कुत्ता नहीं देखा था। कुत्ता मन्नान को एक अजीब नजर से देखने लगा। अचानक कुत्ता बोल पड़ा, मैं तो तेरी कब्र के पास बैठा हूं, तेरा साहस तो बहुत बढ़ गया है। मन्नान मियां ने सोचा कि उसे सुनाई नहीं दिया। उसने थैली से पानी निकालकर अपने चेहरे पर पानी डाला। इस बार उसने साफ साफ सुना कि कुत्ता कह रहा है, अरे डर गया क्या? मन्नान मियां अब पूरी तरह घबराया। अनिश्चित खतरों के डर से उसने अपने पास पड़ी एक पेड़ की डाली उठाकर कुत्ते की ओर फेंक दी। डाली सीधे कुत्ते के चेहरे पर लगी, एक तरफ से कट गई और खून बहने लगा। कुत्ता गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तूने मुझे चोट पहुंचाई है, इसका परिणाम तू भुगतेगा। ऐसा कहकर कुत्ता भयानक दहाड़ के साथ मन्नान को काटने आ गया। कुत्ते के साथ टकराने पर मन्नान बेहोश हो गया। बेहोशी की स्थिति में मन्नान ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सपना देखा। वह व्यक्ति घृणा से मन्नान की ओर देख रहा था और कह रहा था, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तूने मुझे चोट पहुंचाई है, इसका परिणाम मौत है। मन्नान मियां डर के मारे कांपते हुए कहने लगा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैं आपको कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? उस समय व्यक्ति ने अपना विवरण दिया।